अब आपको कानपुर के उस व्यापारी से मिलवाएंगे जिसकी चर्चा आज पूरे देश में हो रही है, जिसके घर पर लगभग 200 करोड़ रुपए नकद मिला है। हैरानी की बात यह है कि यह व्यक्ति बहुत साधारण से घर में रहता है और आज भी एक पुराने स्कूटर पर चलता है, यानी इसके पास एक गाड़ी तक नहीं है। तो फिर बड़ा सवाल आपके मन में यह आ रहा होगा कि जब वो इस स्कूटर पर चलता है जो आप देख रहे हैं, तो इसके पास इतना पैसा आया कहां से? तो इस व्यक्ति का कहना है कि इसे भारी मात्रा में पुश्तैनी सोना मिला है, जिसे बेच बेच कर इसने 200 करोड़ रुपए बैंक में जमा करने के बजाय अपने घर में ही छिपा कर रख लिया। ये बात पता चलने के बाद इस व्यक्ति के पड़ोसी भी आजकल बड़े हैरान हैं, और वो भी ये सोच रहे हैं कि उन्हें इस बात के बारे में कैसे पता नहीं चला कि इस व्यक्ति ने हमारे ही पड़ोस में, हमारे ही मोहल्ले में 200 करोड़ रुपया अपने मकान में छिपा कर रखा हुआ है। इस व्यक्ति का नाम है पीयूष जैन, और पीयूष जैन के लाइफस्टाइल को देखने के बाद आप ये जरूर सोचेंगे कि जिस पैसे का कोई फायदा ही ना हो, जिससे कुछ खरीदा ना जा सके, और जो पैसा ऐसे ही घर में भरकर रखा हुआ है, बोरियों में भरकर छिपाया हुआ है, वो पैसा तो कागज की रद्दी के बराबर है, और ऐसे पैसे का क्या फायदा? पीयूष जैन ने अपने घर के हॉल में एक वाटर टैंक बनवाया हुआ था, और जब इसकी जांच हुई तो इस टैंक के नीचे एक तहखाना मिला। टैंक का कवर हटाने पर सबसे पहले चंदन के तेल का ड्रम मिला। इस ड्रम को जब हटाया तो उसके नीचे 17 करोड़ रुपए कैश मिले, और इसी के नीचे 23 किलोग्राम गोल्ड की जो ब्रिक्स होती हैं, यानी सोने की ईंटें, वो भी दबी हुई रखी हुई थी। ये सब कुछ पीयूष जैन के घर में तहखाने में बोरियों में भरकर रखा हुआ था, और जो नोट बरामद किए गए उनमें से ज्यादातर वर्ष 2016 से 2017 के बीच के हैं। माना जा रहा है कि नोटबंदी के बाद यह पैसा इस तहखाने में दबाया गया था। इनके अलावा 2-2 हजार रुपए के नोट भी बड़ी मात्रा में इस तहखाने से बरामद हुए हैं। अब तक पीयूष जैन के पास से 194 करोड़ रुपए कैश बरामद किया जा चुका है। इनमें से 177 करोड़ 45 लाख रुपया कानपुर से बरामद हुआ और 17 करोड़ रुपए कन्नौज के उनके दूसरे घर से बरामद हुए। बरामद की गई सोने की ईंटों की कुल कीमत 11 करोड़ रुपए के आसपास है। इसके अलावा जो चंदन का तेल बरामद हुआ है उसकी मात्रा भी 600 किलोग्राम के आसपास है। पीयूष जैन के पास जो लगभग 200 करोड़ रुपए मिले, उनसे उत्तर प्रदेश के 93 लाख लोगों को मुफ्त वैक्सीन लगाई जा सकती थी, इतना पैसा था। पीयूष जैन के पास अब तक 194 करोड़ रुपए कैश बरामद हो चुके हैं, लेकिन इस बात पर उनके पड़ोसियों को अब तक विश्वास नहीं हो रहा है। पीयूष जैन ने दौलत भले ही कितनी भी बना ली हो, लेकिन सादगी का एक ऐसा मास्क उसने हमेशा अपने चेहरे पर लगाकर रखा, और पीयूष की सादगी का यह मास्क था उसका पुराना स्कूटर और उसका बिल्कुल मिडिल क्लास लाइफस्टाइल, जिससे कभी किसी को शक ही ना हो। कन्नौज की तंग गली में पीयूष ने मकान तो देर सवेर पक्का और बड़ा बना लिया, लेकिन वो हमेशा एक पुराने से स्कूटर पर ही चलता था, और जहां भी उसे जाना होता था स्कूटर से आता जाता था। पीयूष ने कभी भी किसी को यह एहसास ही नहीं होने दिया कि उसके पास बहुत पैसा है, और पीयूष जैन को ना पहचान पाने की कोई और वजह, ना पहचान पाने की कई और वजहें भी हैं कि वो बिल्कुल एक आम नॉर्मल सा आदमी लगता था। एक तो ये कि उसका आसपास के लोगों से मिलना जुलना बहुत ही कम था, वो आसपास के बहुत ही कम लोगों से बातचीत किया करता था, देर से सोकर उठता था और अपने स्कूटर से सीधे चुपचाप अपने काम पर निकल जाता था, किसी से ज्यादा बातचीत करता ही नहीं था। इसके अलावा उसने घर भी ऐसा बनवाया जिसमें से आसपास से किसी के तांक झांक करने की कोई गुंजाइश ही ना हो। इससे आप ये समझ पाएंगे, सोचेंगे आप कि ये पैसा अब कागज की रद्दी की तरह सड़ रहा था, तो फिर ऐसे पैसे का फायदा क्या हुआ? जब हम कन्नौज पहुंचे तो हमें पता चला कि पीयूष जैन कन्नौज की गलियों में अपने खटारा स्कूटर से घूमता है, और हालांकि ये स्कूटर उसका नहीं है, एक डेमो के तौर पर हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ यहाँ के लोगों ने बताया कि वो कन्नौज की गलियों में इतना सादगी से रहता है कि लोगों को यकीन करना एक बार में बड़ा मुश्किल हो गया जब टीवी पर खबर देखी कि 170 करोड़ रुपए कानपुर वाले घर से मिले हैं। और इसीलिए कहा जा रहा है कि पीयूष जैन जैसा बाहर से दिख रहा है, अंदर से वैसा बिल्कुल भी नहीं है। बाहर से वो खटारा स्कूटर पर कन्नौज की गलियों में घूमता है, लेकिन अंदर 170 करोड़ का कैश मिलता है, और भी ज़्यादा यह रकम बढ़ सकती है। कन्नौज में जो उसका घर है, जो उसके ठिकाने हैं, कई जगह पर है,
कानपुर में भी उसका कारोबार काफी फैला हुआ है और इसीलिए कन्नौज के लोगों को यकीन नहीं हो रहा है कि उनके बीच में धन कुबेर जैसा पीयूष जैन भी मौजूद था। बता दें कोई स्कूटर इस्तेमाल करते थे? हाँ स्कूटर है पॉप पहले। हाँ स्कूटर ही से। अच्छा स्कूटर से चलते थे। कन्नौज में वो जब पीयूष जैन आते थे तो क्या बड़ी गाड़ियों से चलते थे या किससे? यहाँ पे नहीं, बिल्कुल साधारण आदमी है हम लोगों जैसे, कोई इतना कुछ नहीं है। तो इतना पैसा कहाँ से आ गया, 170 करोड़ का कैश? अब 170 करोड़ कहाँ से आया ये तो नहीं बता भैया। इतना 250 करोड़ रुपया निकला है। हाँ। तो उसी को देखने आए भैया, कुछ देखने का हमको मिल जाए, हमने आज तक इतना रुपया ही नहीं देखा। तो पड़ोस के लोग बड़े परेशान हैं और ये सोच रहे हैं कि उन्हें तो पता ही नहीं चला कि उनके आसपास उनके मोहल्ले में घर में इतना पैसा दबा कर रखा हुआ है। और अब ये लोग ये भी सोचते हैं कि ये पैसा आया कहाँ से। पीयूष जैन जो अपनी कहानी बता रहे हैं वो ये कि उन्हें पुश्तैनी सोना मिला था इसलिए ये पैसा उनके पास आया है। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि पैसा उनके पास था 200-250 करोड़ के आसपास, लेकिन सारा पैसा घर में जमा करके रखा हुआ है, उस पैसे का उन्होंने कभी कोई इस्तेमाल नहीं किया। तो आज आप ये भी सोचिए कि ये जो पैसा आपको दिख रहा है, पहली नज़र में तस्वीर तो बड़ी सुंदर शानदार फैंसी दिखती है, ऐसा लगता है जैसे कोई सपना देख रहे हैं, लेकिन असल में ये कागज़ की रद्दी से ज़्यादा कुछ नहीं। क्योंकि जिस पैसे से आप कुछ ले ना सकें, कुछ खरीद ना सकें, किसी का भला ना कर पाएं, जिस पैसे से समाज का कुछ भला ना हो, परिवार का कुछ भला ना हो, अपना भी कुछ भला ना हो, तो फिर वो पैसा किस काम का? और हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि पीयूष जैन को अगर ये पैसा कहीं इस्तेमाल ही नहीं करना था, ऐसे ही रहना था, एक स्कूटर ही चलाना था, तो फिर इतने पैसे की उसे आवश्यकता क्या थी? एक और बात यह हो सकती है कि हो सकता है ये पैसा पीयूष जैन का हो ही ना, और हो सकता है कि किसी और ने पीयूष जैन के घर पर अपना ये पैसा पार्क करके रखा हो। ये तो जो जांच एजेंसियां हैं यही बता पाएंगी कि इसमें सही क्या है। लेकिन आज हमें एक बहुत पुरानी कहानी याद आ रही है। एक गांव में सुखी राम नाम का एक व्यक्ति रहता था जिसके घर में कोई भी महंगी वस्तु नहीं थी, वो बहुत गरीब था। जब वो घर से कहीं भी दूर जाता था तो घर पर ताला भी नहीं लगाता था क्योंकि घर में कुछ था ही नहीं जिसके लिए ताला लगाया जाए। लेकिन एक दिन उसकी लॉटरी लग गई और उसे लाखों रुपए का इनाम मिला। ये पैसा मिलने के बाद उसे लगा कि अगर उसने ये पैसा बैंक में जमा कराया तो बैंक इसे खा जाएगा, उसका पैसा डूब जाएगा, इसलिए उसने ये सारा पैसा अपने घर पर ही रख लिया। लेकिन इस पैसे ने उसे हमेशा के लिए उसके घर तक सीमित कर दिया, उसने इस पैसे का इस्तेमाल भी नहीं किया और इसके बाद से वो अपने घर से बंध गया और उसे इसी बात का डर सताता रहता था कि कहीं उसका पैसा कोई ले ना जाए। इस पैसे ने उसका सुकून खत्म कर दिया। वो अपनी पत्नी को शक की नज़रों से देखने लगा, अपने बच्चों को भी शक की नज़रों से देखने लगा क्योंकि उसे लगता था कि उसका परिवार ही एक दिन उससे ये पैसा छीन लेना चाहता है। और एक दिन जब परिवार के सभी लोग उससे अलग हो गए तो उसे पता चला कि जिस पैसे की वो हिफाजत कर रहा था वही पैसा असल में उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। ये कहानी आपको सुनी सुनाई भी लग सकती है, बोरिंग भी लग सकती है, लेकिन इस कहानी में जीवन का एक बहुत बड़ा फलसफा छिपा हुआ है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.